सत श्री अकाल जी। किताब खिड़कियां, लेखक नरेंद्र सिंह कपूर। उदाहरण नंबर 4। दोस्तों अज की उदाहरण एक गुरु अते चेले की है, जो दसदी है एक चेले विच केड़े गुण होने चाहिए हैं जां किवें दा होना चाहिए है। सो वीडियो शुरू कर दें। एक व्यक्ति सी, बहुत विद्वान सी, बहुत ज्ञान होने के बावजूद उसकी तसली नहीं सी हुई। उसनू होर ज्ञान की लालसा सी। उसने बहुत तलाश की कि कोई इवें दा गुरु लभे जिहड़ा उसनू होर ज्ञान दे। अखीर उसने एक गुरु नू लभिया अते कहा कि कुछ दसो, कुछ ज्ञान दिओ। गुरु ने कहा कि दसांगा, पर पहला तू जो भी जानता है उसनू लिख के लिया ते मैनू दिखा कि तू की जानता है। चेला चला गया, कई महीने ला के हजारां पन्ने लिख के लियाया अते गुरु नू दिखाया। गुरु ने देखिया अते कहा कि इना कौन पढ़ेगा, इसनू छोटा करके लिया। चेला फिर चला गया अते कई हजारां पन्नियां दी जगह उसने 1000 पन्ने बनाए ते गुरु कोल लेके आया। गुरु नू दिखाए, गुरु ने कहा कि ये अजे भी बहुत ने, इसनू होर छोटा कर। चेला गया, 1000 पन्ने दे 100 पन्ने कर दिते, गुरु नू दिखाए। गुरु ने कहा कि नहीं, ये अजे भी ज्यादे हन। गुरु ने इसनू होर छोटा करन लई कहा। चेला गया अते 1000 पन्ने दे 100 पन्ने कर दिते ते गुरु नू दिखाए। गुरु ने कहा नहीं, ये अजे भी इसनू होर छोटा कर। चेले ने 100 दे 10 पन्ने कर दिते, गुरु नू दिखाए, पर गुरु ने होर छोटा करन लई कहा। चेला एक पन्ना कर लिया तो गुरु नू दिता। गुरु ने कहा अजे भी नहीं, इसनू भी छोटा कर। अखीर वह खाली पन्ना लेके ही आ गया। जदों गुरु ने देखा तो कहा हाँ ये ठीक है, हुण तू मेरा विद्यार्थी है, हुण तू मेरा चेला है। पहला तेरे मेरे विचकार एक ज्ञान की दीवार सी, हुण नहीं है। तो दोस्तों उदाहरण का सीधा जिहा सबक है कि विद्यार्थी या चेला वह हुंदा है जो गुरु या अध्यापक कोल इस भाव नाल जावे कि उसनू कुछ नहीं आता, वह कुछ नहीं जानता। जो वीडियो चंगी लगी हो शेयर करो। धन्यवाद।